नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्तों रोस्ट प्रॉपर्टी गुरु। दोस्तों, आज का ये वीडियो यानी कि आज मैं आया हूं कैथल। कैथल की ये लोकेशन रहेगी और कैथल का सेक्टर 18, जो कि अभी काफ़ी, मतलब मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि हिसार के, मैंने बहुत आप लोगों को हर रोज़ मैं गाइड करता हूं कि हिसार में कौन सी प्रॉपर्टी के कहां कहां पर क्या, कौन सी लोकेशन पे कितना रेट आएगा, क्या चल रहा है वहाँ, प्रॉपर्टी की अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। लेकिन अभी काफ़ी व्यूवर्स के फ़ोन आ रहे, मैसेज आ रहे थे, काफ़ी व्यूवर्स के फ़ोन आ रहे थे, बोले सर इतने रेट ऊपर हाइप हो चुके हैं हिसार के अंदर। यानी कि हिसार की अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए कि 35 और 40 बल्कि 50,000 रुपये गज़ तक की ज़मीन के रेट हो चुके हैं। सेक्टर 33 में काफ़ी रेट हो गए, सेक्टर 16-17 में 50,000 के आसपास के रेट चल रहे हैं, और सेक्टर 14 में वहाँ पर भी आप आइडिया मान के चलिए कि 35 से 40 के बीच का रेट वहाँ पहुँच चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हर किसी की रीच से बाहर हो चुका है। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ सेक्टर 18। देखिए दोस्तों, आसपास जैसे अगर वहाँ पर रेट हो गए ना, तो अभी मैं एट प्रेजेंट आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कैथल है यहाँ पर अभी आने वाला टाइम है, मतलब कि अगर आप वहाँ परचेज नहीं कर पा रहे तो कैथल में आप बहुत ज़्यादा दूरी का नहीं है, यानी कि हार्डली 2 घंटे का टाइम लगता है, 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में आप कैथल आ जाते हो। तो ये भी आगे डेवलपमेंट का एरिया चल रहा है, यानी कि आने वाला टाइम इस शहर का हो सकता है। और जो सेक्टर 18 यहाँ पर आपको काफ़ी मिनिमम बहुत कम इतने रेट्स के ऊपर यहाँ प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करें ना, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, मैं हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको हम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करवाएं, ऐसी जगह पे पैसा लगवाएं ताकि इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ हो सके। अब 40,000 रुपये, यानी अगर आप 45,000 रुपये या 40,000 रुपये गज़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और एक चीज़ का और मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी में बड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो वो कभी भी डाउनफॉल हो सकता है। कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आए जिसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी गोता मारे, तो मैं कभी राय नहीं दूंगा आपको कि आप 40,000 के पार जाने के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप वहाँ पर 40,000 रुपये गज़ के हिसाब से ले रहे हैं तो यहाँ आपको मान के चलिए कि 20-22,000 रुपये गज़ आराम से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सेक्टर 18 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे सामने ये जो आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा यहाँ सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है, सिविल अस्पताल यहाँ आ गया। और ये जो रोड है उस साइड की, उस साइड से आएंगे हम हिसार की साइड से आएंगे, और ये इधर चलते हुए ये सीधा सेक्टर के कैथल के अंदर चले जाएंगे हम। और मैं इसकी लोकेशन के बारे में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो गया, पीछे लंबे टाइम से यहाँ रुकी हुई थी प्रॉपर्टी, लेकिन अभी भी उतनी तेज़ी यहाँ नहीं है जितनी हिसार के अंदर, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ काफ़ी ग्रो आने की संभावना रहेगी। तो जहाँ संभावना रहे, और देखिए 22,000 से 35,000 पे जाने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन 40,000 से 50,000 पे जाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए वहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ रिस्क फैक्टर कम रहेगा। अगर यहाँ 22-23,000 या 25,000 के हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उससे कम, यानी कि 25 से नीचे अगर जाएगी तो कितना जाएगी, 22 जा सकती है, उससे कम नहीं जा सकती। तो यानी कि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। वहाँ ऊपर जाने के 90% चांसेस ऊपर जाने के रहेंगे, क्योंकि अगर 25,000 रुपये गज़ के हिसाब से आप लेते हो तो वहाँ से आप रेशियो देखिए कि जो आपका प्रॉफिट होने वाला वो कितना हो सकता है। 25 से 35 पे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो अगर इसी प्रकार से सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो यहाँ आने वाले, मतलब 1 साल के अंदर, मेरा मानना है कि यहाँ अच्छे रेट्स जा सकते हैं। तो ये है सेक्टर 18 कैथल का, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे ये आगे, ये 500 गज़ की लाइन आ गई इधर, 500 गज़ की। जैसे ही यहाँ रोड से हम एंटर करेंगे ना, रोड से अंदर आते ही सबसे पहले आते 500 गज़ की लाइन। तो ये 500 गज़ की आ गई, यानी कि एक कनाल वाली लाइन आ गई। ये रोड से इस साइड पूरा इलेक्ट्रिसिटी वर्क हो गया, सीवरेज आ गया, कंप्लीट काम यहाँ हो चुका है। और वो जो आगे देख रहे हो वो टावर और वो लगे हुए वहाँ पर, और आगे डेवलपमेंट हो चुका है, यानी कि वो छोटे मकान 200, 250, 350 गज़ के वहाँ पर
उस एरिया में बने हुए, और काफी हद तक वो बन चुका है एरिया। ये देखिए सामने इधर देखेंगे ना, वो पूरा मतलब जैसे हम ये बड़े जो प्लॉट्स है ना, यहाँ खाली है, लेकिन जैसे हम आगे चलेंगे तो वहां पर आपको पूरा भरा हुआ सेक्टर मिलेगा। ये तो यहाँ काफी अच्छी ऑप्शन है, खासकर हिसार वाले लोगों के लिए, जो अपना पैसा अगर यहाँ पर लगाना चाहते हैं या सेक्टर में अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो मुझे दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, और मैं अभी आपको एक राउंड अंदर भी लगवा के लाऊंगा, पूरा अंदर का व्यू दिखाऊंगा कि कैसा यहाँ है, और अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, और पैसा आपका ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और मेरा चैनल, हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सो दैट कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये आ गया सेक्टर 18। सेक्टर 18 में देख सकते हो अभी काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है, चारों तरफ बहुत बढ़िया डेवलपमेंट, काफ़ी डेवलप हो चुका है ये सेक्टर 18 ना। लेकिन अभी भी अगर हम कंपेयर करें हिसार की, तो हिसार के कंपैरिजन में आपने को काफ़ी कम रेट्स में मिल जाएगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ एक अच्छा मौका बन रहा है कि अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी लें तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, और आने वाले टाइम में यहाँ ग्रोथ के चांसेस काफ़ी रहेंगे। तो अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, और आगे देख सकते हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले ये आया था कि सेक्टर 18 कैथल में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही, सब लोग पूछ रहे थे, है ना। तो हिसार में तो हम हर किसी की अप्रोच में रहा नहीं, और मुझे लगता नहीं कि वहाँ अभी इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, सेक्टर 1-4 में थोड़ा हो सकता है, बाकी उसके अलावा मैं किसी सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक की, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में वहाँ मुझे लगता नहीं कि किसी और सेक्टर में वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आप रेड लाइन के एरिया में चले जाएंगे। तो रेड लाइन एरिया का मतलब होता है कि आगे आपको कोई भी झटका लग सकता है। तो फाइनेंशियली अपना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट प्लान करें। यहाँ देख सकते हो ये प्लॉट्स भी काफ़ी खाली मिल जाएंगे। और दूसरा एक और था कि जो ये फ्लैट वाला सिस्टम है, वो अभी तक यहाँ डेवलप नहीं हुआ ना, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है। तो 500 गज़ का वहाँ पर, हमारे वहाँ हिसार में अगर हम 200 गज़ का लेते हैं, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ अपने को 500 गज़ की प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो ये है सेक्टर 18 कैथल का। तो प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, धन्यवाद। ये वो पुलिया है जो सेक्टर 18 के बीच में से डिवाइड, इसके अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। इस साइड में बड़े प्लॉट्स आगे, और इस साइड में, इस पुलिया के उस साइड में छोटे प्लॉट्स आ गए, यानी कि एक कनाल वाले प्लॉट इस साइड में, अभी इसका काम चल रहा है। जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ से कनेक्टिविटी सीधा उससे, जो बाईपास है उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी, और उस अगर ये हो जाता है तो फिर वहाँ रेट बढ़ने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और ये पूरी पुलिया का काम है ना, आगे आने वाले 4-6 महीने के अंदर पूरा पाइपलाइन यहाँ डल जाएगा और ये कवर हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने की चांसेस।